फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शैलेश, हम जानेंगे कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि महंगाई को सबसे पहले किस तरह से आगे रखा विपक्ष का, बैलगाड़ी पर विपक्ष क्यों दिखा ये जानने की जरूरत है। महंगाई को सबसे आगे रखा, आम जनता का जिक्र किया, सड़क से सदन तक संघर्ष को आगे रहने की दावेदारी, विधानसभा सत्र में जबरदस्त हंगामे की तैयारी, संकेत देने की कोशिश, जमीनी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने विपक्ष मांगने की कोशिश कर रहा है, चुपते हुए सवालों की लिस्ट तैयार है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पैनी नजर, इस सत्र में ड्राफ्ट पेश हुआ तो होगा जबरदस्त विरोध, इसकी भी रणनीति पूरा विपक्ष बना रहा है। बढ़ते आगे शैलेश हमारे साथ लगातार बने हो। शैलेश, आज जो तस्वीरें देखने को मिली उससे साफ है कि सत्र काफी हंगामेदार इस बार होने वाला है। शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से रोहित जी, ये पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो विधानसभा का सत्र होगा ये बहुत ही हंगामेदार होगा, और ये अनुमान जो था वो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को भी था। इसीलिए आप देखिए, आज से सत्र शुरू होना था और एक दिन पहले कल जो है वो पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में बैलगाड़ी नहीं ले जाई जाएगी, वहां पर ट्रैक्टर नहीं ले जाए जाएंगे। इन दोनों चीजों का जिक्र करने का साफ मतलब समझा जा सकता है कि उन्हें भी पता था, सरकार को भी पता था कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कृषि कानून के मुद्दे पर घेरेगा, कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर घेरेगा। यही वजह है कि सत्र शुरू होने से पहले एक दिन पहले इस तरह का आदेश जारी किया जाता है। लेकिन देखिए, चुनावी मौसम है, विधानसभा का सत्र है, तो इन आदेशों से विपक्ष को रोका नहीं जा सकता है, और उसकी तस्वीर आज सुबह सत्र शुरू होने के पहले ही देखने को मिली। जिस तरह से चाहे कांग्रेस के अगर बात करें, MLC विधायक के साथ प्रदेश अध्यक्ष सभी लोग, कोई रिक्शा चलाकर पहुंचता है, दीपक सिंह MLC रिक्शा चलाकर पहुंचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपने हाथ में कटआउट लेकर पहुंचते हैं कार का, यानी तस्वीर एक प्रतीक कि गाड़ी चला नहीं सकते, अब तो चित्र हाथ में लेकर चलेंगे, महंगाई के पीछे एक ये संदेश। तो निश्चित रूप से इसके बाद समाजवादी पार्टी की बात करें, जिस तरह से उसमें हमने देखा कि ऑक्सीजन का मुद्दा, कोरोना काल का मुद्दा, देखिए ये वो हॉट टॉपिक्स है कह सकते हैं विपक्ष के लिए, जिनको लेकर आने वाले चुनाव में बिल्कुल पर नजर आएगा पूरा विपक्ष, चाहे वो महंगाई की बात हो। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक रहने वाला है। शैलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अब बात BSP के उन पुराने नेताओं की जिन्हें कुछ वक्त पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। हम बात कर रहे हैं बसपा के पूर्व नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा की, जिनका नाम फिर तब सुर्खियों में आ गया जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता राम गोविंद चौधरी से आज मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर ये कयास फिर तेज हो गए कि जल्द ही दोनों पूर्व बसपा नेता सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि दोनों नेताओं का साफ कहना है कि राम गोविंद चौधरी से उनकी मुलाकात औपचारिक थी और अभी उनका सपा में शामिल होने का कोई प्लान नहीं है, यानी अभी सस्पेंस कायम। माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी नेता विरोधी दल हैं, मैं BSP में नेता था तब भी उनसे मिलता था, आज भी मिला, अभी हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है, और माननीय रामचंद्र राजभर जी हम लोग एक साथ हैं और समय आने पर फैसला करेंगे। नहीं, बसपा में बाहर में हमने 2-2.5 महीने तक इंतज़ार किया और इस बीच हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए अब बसपा का रास्ता बंद है। लालजी वर्मा राजभर जी हमारे पुराने साथी हैं, साथी रहेंगे, साथी हमारे हैं, साथी रहेंगे, और जब वो बसपा में थे तो लालजी वर्मा जो कहते थे वही नेता विरोधी दल करते थे। और बात उत्तराखंड की, यहाँ की सियासत में आज का दिन बड़े ऐलान के नाम रहा। ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ, पार्टी ने उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल को अपना CM उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये घोषणा खुद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की। देहरादून में केजरीवाल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार